हेलो फ्रेंड्स, तो आज से शुरू हो गया है हमारा केरला का सफर। केरला, जिसको गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत टाइम से मेरी बकेट लिस्ट में था और फाइनली आई गॉट द चांस टू एक्सप्लोर केरला। तो फर्स्ट डेस्टिनेशन जो हम लोग जाने वाले हैं वो है वायनाड, जो केरला के नॉर्थ ईस्ट में आता है और बेंगलोर से अराउंड 330 किलोमीटर्स है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कैसे हमने बेंगलोर से वायनाड की जर्नी बहुत ही कम रुपए में की। उसके अलावा मैं आपके साथ केरला लोकल बस एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। साथ ही आपको वायनाड की थोड़ी झलक देखने मिलेगी और खतरनाक ऑफ रोड एक्सपीरियंस भी। मॉर्निंग गाइस, तो अभी बज रहे हैं 4:47 और मेरी ट्रेन है कुछ 5:10 की। हम लोग पहले जा रहे हैं मैसूर और मैसूर से हम लोग जाएंगे वायनाड। एक्चुअली ना हम लोग डायरेक्ट भी जा सकते थे, डायरेक्ट भी काफी ऑप्शन है, काफी, तो मतलब बहुत सारी बसेस हैं डायरेक्ट बेंगलोर से वायनाड की, लेकिन ना वो लोग कुछ 1500 रुपए, 1600 रुपए, 2000 रुपए ऐसे चार्ज कर रहे थे, तो हमें कोई सेंस नहीं लगा इतने रुपए दे के 5 आवर्स की जर्नी करने का। तो फिर हम लोगों ने एक तिकड़म बैठाई, हमने सोचा कि मैसूर होते हुए हम लोग वायनाड जा सकते हैं। तो मैसूर तो हर एक घंटे में ट्रेन जाती है बेंगलोर से, तो हमने सोचा पहले चल लेंगे मैसूर और मैसूर से फिर हर घंटे बस जाती है वायनाड के लिए, तो फिर चल लेंगे वायनाड। तो अभी हमने स्लीपर ही कराई है, तो स्लीपर के हमें पड़े अराउंड कुछ 150 रुपीज, तो 150 रुपीज में हम लोग मैसूर पहुंच जाएंगे और उसके बाद वायनाड जाने के लिए हमने और दी है 300 रुपीज। तो आपको भी कभी लगे ना कि बसेस बहुत महंगी है वायनाड की, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। देखती हूँ अब एक्सपीरियंस तो कैसा रहेगा, आपको बताती रहूंगी। बेंगलोर से मैसूर अराउंड 160 किलोमीटर्स है। ये मस्त ग्रीनरी देखते देखते सफर कब निकल गया पता ही नहीं चला और हम 3 घंटे में मैसूर पहुंच गए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मैसूर और हमने अपना आधा सफर तय कर लिया है, लेकिन अभी मंजिल पूरी 130 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हम जाएंगे वायनाड, उसके लिए हमें लेना है बस और वो ऑलरेडी मैंने बुक करवा दी है। तो अभी हम यहाँ से, हमें बस सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, हमें यहाँ पे ट्रेन ने छोड़ा है 8:30 पे और हमारी जो बस है वो है 9:30 पे। उसके बाद हमको लग गई थी बहुत जोरों की भूख, तो रेलवे स्टेशन के जस्ट पास ही हमें A2B दिखा, लेकिन A2B में मैं बहुत बार खा चुकी हूँ, ये साउथ में आपको काफी जगह पे मिल जाएगा, तो आज मेरा A2B में खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो A2B के जस्ट पास ही हमको ये दिखा मैसूरु ग्रैंड फूड, तो हमने यही खाना प्रेफर किया और मैंने लिया मसाला डोसा और गौरव ने आनियन उत्तपा लिया और दोनों ही बहुत ही टेस्टी थे। उसके बाद हमने ऑटो पकड़ा और डायरेक्ट पहुंच गए बस स्टैंड। अभी हम लोग बस स्टैंड आ चुके हैं, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड अराउंड 2 किलोमीटर्स है और ये हमसे उन्होंने चार्ज किया 60 रुपीज, लेकिन यहाँ पे ना प्रीपेड ऑटोज भी चलते हैं जो गवर्नमेंट के हैं, वो आपको 30 रुपीज में पहुंचा देंगे, लेकिन वो ना क्यू काफी लंबी थी, हमारे पास इतना टाइम नहीं था, 1-1 घंटे का टाइम था, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, तो इसलिए हम वो नहीं ले पाए, हमने नॉर्मल ऑटो किया 60 रुपीज में। आपके पास टाइम हो तो आप क्यू में लग के 30 रुपीज में भी आ सकते हैं। तो मैंने जो बस बुक कराई थी ना, वो कराई थी KSRTC की साइट से। मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि ये लाल डब्बा होगी। मैं जब से बस स्टैंड आई हूँ ना, तब से मैं सोच रही हूँ ये लाल डब्बा हमारी बस है, लेकिन मैं गलत थी, ये लाल डब्बा हमारी बस नहीं है। हमारी बस है ये जो केरला बस है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैंने ये वाली बस बुक कराई है, बस मुझे अवेलेबल दिखी और मैंने बुक करा ली। अब हमको इसमें जाना पड़ेगा, लेट सी एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस लाल डब्बे का हमारा, और इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। उसके बाद हम लोग रुके मिडवे पे, 3 घंटे का सफर है, उसमें भी मिडवे होता है। एक्चुअली ड्राइवर अंकल को खाना खाना था इसलिए हमें रुकना पड़ा और फिर सारे पैसेंजर्स भी उतर गए, उनको भी थोड़े से पांव सीधे करने थे। आप यहाँ पे मैसूर साड़ी भी खरीद सकते हैं, मैसूर साड़ी भी मिलती है, हम लोगों ने तो चिप्स और चॉकलेट ही खरीदी। मैंने जैसे सोचा था लाल डब्बा वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब पूरा ना उनकी खिड़कियाँ बड़ी अच्छी है, खिड़कियों में ना मतलब जाले वाले कुछ नहीं, एकदम ओपन खिड़कियाँ हैं, तो आराम से आप बाहर देख सकते हो, आराम से व्यू इन्जॉय कर सकते हो। और अभी हम लोग जाएंगे ना तो जंगल से होकर जाएंगे, बंडीपुर से तो नहीं जा रहे लेकिन एक और रूट है जहाँ से हम लोग जाएंगे, वो पूरा जंगल ही जंगल है, तो अच्छा लग रहा है अभी तक तो। अभी थोड़ी सी धूप हो गई है लेकिन अभी वायनाड में बारिश मिल सकती है हम लोगों को, लेट्स सी। अभी यहाँ से 85 किलोमीटर्स और है अभी वायनाड। उसके बाद हम लोग नागरहोले फॉरेस्ट होते हुए वायनाड की ओर निकले।
एक बार फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको रुकना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप बाहर निकलकर फोटोज क्लिक नहीं करवा सकते। अगर कोई जानवर दिख जाता है तो उसको खाना खिलाना भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये देखो यहाँ पे चेकिंग चल रही है, ये लोग ना चेक करते हैं कि आप लोग कुछ इलीगल सामान लेके तो नहीं जा रहे हो कहीं वायनाड में, क्योंकि ये अब कर्नाटका से केरला जा रहे हो ना, तो ये लोग चेक करते हैं कि ड्रग्स या फिर दारू वारू कुछ तो नहीं आपके पास। तो हम अराउंड 2 घंटे में वायनाड पहुंच गए, लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। वायनाड एक डिस्ट्रिक्ट है और हमें जाना था उसके एक टाउन कलपेटा में, जहां पहुंचते पहुंचते हमें 1.5 घंटा और लग गया क्योंकि बस हमें कलपेटा ही ड्रॉप करने वाली थी। वायनाड में अराउंड 49 विलेजेस हैं और सुल्तान बतेरी, मानथावाड़ी और कलपेटा इनके मेन टाउन है। यहाँ एक टाउन दूसरे टाउन से बहुत दूर दूर है, तो आप पहले से ही डिसाइड करके आए कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है और अकॉर्डिंगली ही स्टे बुक कराएं, अदरवाइज आप सारा टाइम ट्रैवल ही करते रहेंगे। तो ये अभी आ गई है भयंकर वाली बारिश और सबकी खिड़कियाँ देख सकते हैं आप, सबकी खिड़कियाँ नीचे हो चुकी है। अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं वायनाड, लेकिन अभी जर्नी फिर भी खत्म नहीं हुई। एक्चुअली वायनाड में हम लोग आए हैं कलपेटा में, अभी हम लोग वापस एक दूसरी बस में बैठ गए हैं और अब ये बस छोड़ेगी हमें मेपाड़ी, और मेपाड़ी से हमें जाना है एक टी शॉप जो हमें रिसोर्ट वाले ने बोला है, उस टी शॉप से रिसोर्ट वाला आएगा हमें और जीप में और वो हमें ऑफ रोड लेके जाएगा। कलपेटा से आपको मेपाड़ी के लिए बस इजीली मिल जाएगी। अगर आप ऑटो करना चाहते हैं तो ऑटो भी कर सकते हैं, आपको 800 रुपीज से 900 रुपीज देना होगा। और अगर आप बस से जाएंगे तो आप 25 रुपीज पर पर्सन में मेपाड़ी पहुंच जाएंगे। लोकल बस से ट्रैवल करने का भी अपना ही एक फन होता है। ये टी प्लांटेशन देखते देखते कब 1 घंटा निकल गया पता भी नहीं चला। तो अभी हम हमारी उस लोकेशन पे पहुंच गए जहाँ से हमारे रिसोर्ट की जीप हमें पिक करने वाली है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मेपाड़ी और 900 कन्नड़ के बीच में आता है और ये लोकेशन इतनी ज्यादा सेक्सी है ना, देखो इतनी ज्यादा अच्छी है ये। मतलब जब मैं नीचे थी ना वायनाड में, जैसे हम कलपेटा में उतरे थे जब, तब मुझे लगा यार ये तो नॉर्मल सा लोकेशन है वायनाड, मतलब इतना क्यों लोग इतना क्यों पसंद करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। पर जैसे जैसे हम ऊपर आते गए ना मेपाड़ी में, और अब जहाँ पे हमें, तो हम काफी टॉप पर हैं अभी वायनाड के, और ये बहुत ज्यादा अल्टीमेट है। मतलब वाइब्स इतनी अच्छी और मौसम तो इतना ज्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा ट्रैवल किया हम लोगों ने, इतना ज्यादा थक गए, बट ये वर्थ था यार। मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना ये। और अभी हमें जो जीप लेने आएगी वो हमें 5 किलोमीटर्स ना ऑफ रोड लेके जाएगी उनके रिसोर्ट तक, मतलब उनका रिसोर्ट काफी अंदर जाके है तो वो ऑफ रोड है, तो वहाँ तक कोई भी बस या ऑटो नहीं जाता, तो वही हमें लेके जाएंगे। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ अभी ऑफ रोड करने के लिए, मेरी थकान सारी उतर चुकी है यहाँ का लोकेशन देख के। और यहाँ का लोकेशन ना मुझे नहीं लगता कि मेरा कैमरा या मेरे वर्ड्स जस्टिफाई कर सकता है। तो ये है मीनाक्षी टी स्टॉल और इसको नायर्स टी शॉप के नाम से भी जाना जाता है। हमें रिसोर्ट वाले ने यहीं आने बोला था। अगर आप लोग कार लेकर आ रहे हैं तो आप यहीं पर अपनी कार पार्क कर सकते हैं। फिर थोड़ा वेट करने के बाद हमारी जीप आई और हम निकल गए हमारे रिसोर्ट के लिए। पहले तो काफी अच्छा रास्ता था, उसके बाद धीरे धीरे करके ऑफ रोड स्टार्ट हुआ। आपको क्या लग रहा है, जो भी आप देख रहे वही ऑफ रोडिंग है? नहीं नहीं, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।
पा रहे थे हम। अभी रिवर्स वर्ल्ड लेना है, वो पहाड़ देखो यार कितना मस्त लग रहा है। इसका अलग कोई लाइसेंस होता है क्या आपके पास? यार ये देखो इनको, ये कहाँ गए सारे लोग? लाइसेंस ड्राइविंग क्या है? लेबर्स डेली यहाँ तो गाड़ी बंद हो गई तो साला हैवी भी। फाइनली हमें रिसोर्ट दिखता है थोड़ा थोड़ा सा। यस वो वाला, वो वाला। माय गॉड दिस इज नेक्स्ट लेवल। मतलब जो ऑफ रोडिंग आज मैंने की ना, मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया यार। मतलब मुझे एक पल के लिए तो ऐसा लगा बस हम लोग गिरने वाले हैं, ऐसे लिटरली इतनी टेढ़ी हो रही थी हमारी जीप। ओ गॉड बट मजा आ गया यार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ रुकी हूँ, कौन से स्टे में आई हूँ, तो ये सब मैं आपको आज की वीडियो में नहीं बताऊंगी। ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको रिसोर्ट भी घुमाऊंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे ना हिडन वाटरफॉल्स है मतलब इस रिसोर्ट के, तो वहाँ हम ट्रैक करके भी जाएंगे और क्या क्या एक्टिविटीज़ ये लोग प्रोवाइड कराते हैं सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने जितना ट्रैवल किया है ना एक दिन में, इतना सारा इतना मैंने पहले कभी नहीं किया। मैं आपको दोबारा से याद दिला देती हूँ मैंने कैसे कैसे किया। पहले हम बेंगलोर से मैसूर गए, उसके बाद हम कलपेटा में उतरे, कलपेटा में हमने बस चेंज करी, बस चेंज करके हम लोग मेपाड़ी पहुंचे। मेपाड़ी में हमें ये भैया मिले जीप वाले, इन्होंने हमें इस रिसोर्ट तक पहुंचाया इतना भयंकर ऑफ रोडिंग करके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालूंगी तो आप देख पाओगे कि मैंने कौन से रिसोर्ट में स्टे किया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।